वेलकम टू माय चैनल गाइस। गाइस आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अपना कस्टम नोटिफिकेशन कैसे बनाते हैं। अलर्ट नोटिफिकेशन होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि मैसेज आता है एरर का, है ना, सक्सेस का आता है मैसेज, ओके। तो आज हम इस टाइप का ही कुछ बनाएंगे, जैसे कि आप ये एग्जांपल देख रहे हैं, ओके। जैसे ये ग्रीन आ रहा है, फिर रेड आ रहा है, ये कस्टम नोटिफिकेशंस, ओके। आपने वेबसाइट पर बहुत देखोगे, जैसे आपको ये फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है ना, उसमें आपने सबमिट कर दिया तो आपका जो फॉर्म सबमिट होता है तो उसके बाद एक मैसेज आता है सक्सेस कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, ओके। चलिए फ्रेंड्स आगे हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ओके। मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोज़ लाते रहता हूँ, जैसे कि आपने पहले भी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हुई हैं इस चैनल पर, ठीक है ना, अपने चैनल पर। तो प्लीज़ इनको जाके देखिए, इनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे, ओके फ्रेंड्स। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने एक HTML का पेज बनाया हुआ है, ठीक है ना, सिंपल डमी। एक ये बटन बना दिया है और एक ये HTML की फाइल है डमी और ये CSS की फाइल है, ठीक है ना। मैंने अभी सिर्फ इतना कर दिया है, ठीक है ना। हम आगे इससे आगे करते हैं, हम एक नोटिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में स्नैक बार बोलते हैं उसको ना, या नोटिफिकेशन रख देते हैं कस्टम नोटिफिकेशन नाम से। ये हमने इसकी क्लास रख दी है, ठीक है ना, कस्टम नोटिफिकेशन से। यहाँ पे आते हैं, कस्टम नोटिफिकेशन, देखते कैसा आता है। विड्थ हाइट दे रही है यहाँ पर, ये यहाँ पर ऐसा आ रहा है। इसको ना हमेशा हमको फ्रेंड्स फिक्स रखना है, ठीक है ना, फिक्स रखेंगे इसको हमेशा। अब हम इसके अंदर अपना टेक्स्ट डालेंगे, इसकी थोड़ी सी अभी और स्टाइलिंग हम करेंगे, है ना। अभी के लिए बैकग्राउंड इसका चेंज कर देते हैं, ओके, फिर देखते हैं। एंड बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ओके, 10 ज्यादा हो गया है, करते हैं इसको 5, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम आइकन भी लगाएंगे, सर्कल क्लोज वाला, ठीक है ना। पहले यहाँ पर हम टेक्स्ट भी आएगा, ठीक है ना, मैंने ये डाल दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसको और करेंगे, जैसे हमारा ये आ गया, फिर उसके बाद हमारा क्लोज बटन, क्लोज ओनली क्लोज लिख देंगे, ठीक है ना। क्लोज के अंदर हम अपना, मैंने अभी फॉन्ट ऑप्शन की आइकन की फाइल मैंने लगाई हुई है यहाँ पर, ठीक है ना, ये मैंने फॉन्ट ऑप्शन की फाइल लगाई हुई है मैंने यहाँ पर, और क्या नाम है ये भी। मैं यहाँ पर अपना एक आइकन लेता हूँ, क्लोज, ये ले लेते हैं, है ना। इसके अंदर एक क्लिक किया, सॉरी यहां पर नहीं,
यहाँ पर मैंने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है ना, ये हमारा आइकन भी यहाँ पर आ गया। फिर उसकी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन लाइन आइटम्स सेंटर ओके, और इसमें जो हमारा क्लोज है और लेफ्ट फोटोस यानी कि ऐसा आएगा हमारा, देखिए ठीक है ना। और इस स्नैक बार के अंदर पैडिंग 10 पिक्सल और इसकी हाइट ऑटो कर दो यहाँ से, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। तो अब हमको इसकी के अंदर स्पैन यानी कि इसमें क्लास दे देंगे, इसमें टाइटल है हमारा मैसेज नाम का, ठीक है ना, देखिए अभी ऐसा आ रहा है ना। इसको 600 कर देंगे और इसकी जो पैडिंग है ये वाली स्नैक बार की पैडिंग ये रही, ठीक है ना, ये 20 पिक्सल हम यहाँ पर रख देंगे। देखिए थोड़ा सा इसको 15 करते हैं, ठीक है ना, अभी क्लोज है, ठीक है, कलर वाइट आ गया, ठीक है ना। अब हम इसको थोड़ी सी हम यहाँ पर कर लेंगे क्लोज, इसकी भी फ्लेक्स एंड सेंटर मैंने कर दिया, विड्थ 35 पिक्सल, हाइट 35 पिक्सल, बैकग्राउंड मैंने इसके सीएसएस यहाँ पर कर दिए। देखो इस बटन की ना देखिए मैंने यहाँ पर सर्कल बना दिया, तो इसकी पैडिंग यहाँ पर मैं जरा ये 15 ही रख दो इसको, है ना, ऊपर नीचे की भी ज़्यादा आ गई है 10, ठीक है ना। और इसके आइकन की भी विड्थ हाइट 30-30 कर देते हैं अभी के लिए, अच्छा लगना चाहिए ना ये हमारा। उसको ये मैसेज में आइकन कहाँ गया, इसके अंदर हमारा जो वह है कौन सा, 16 पिक्सल, इसका भी इसका कम करते हैं जरा, ओके आप चाहो आइकन थोड़ा सा ये बोल्ड वाला आइकन है थोड़ा लाइट भी ले सकते हैं, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग जो भी अच्छा लगता है। देखिए अभी ठीक लग रहा है थोड़ा ना, अभी मैंने ये फ्रेंड्स स्टैटिक मैंने ही बना लिया, ठीक है ना, बट ये इसके क्लिक पर आएगा वो भी एनिमेशन होके, ठीक है ना। राइट से इसको 5 कर देते हैं, ये रहा, ठीक है ना। अभी के लिए अब हम इसका ना सीएसएस अपनी करते हैं, जैसे ये स्मूथली आएगा ट्रांजिशन ऑल 0.2 सेकंड, ठीक है ना, सी करते हैं, मैंने ट्रांजिशन दे दी। अब देखो सिंपल है, ऐड क्लास और रिमूव क्लास से फ्रेंड्स ये काम हमारा पूरा, हम करेंगे ओपेसिटी 0.1। अभी मैं आपको दिखाने के लिए कर देता हूँ ट्रांसफॉर्म स्केल 0.1। मैंने क्या किया अभी देखिए, ये स्केल होके आएगा, देखिए ऐसे ऐसे आ रहा है ना, दोबारा देखिए ऐसे आएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम इसी के लिए ही मैंने यहाँ पर ये अभी दिखाने के लिए आपको ऐसा कर दिया, बट यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 और यहाँ पर भी 0, ठीक है ना। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 1 कर देंगे ओनली, फिर वो जूम होके हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। वो कैसे होगा देखो, ओपन
ओपन ओपन स्नैक बार से मैंने ये इसका कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका मैसेज डेटा मैसेज में भी मैं इसका ये ले लूँगा, क्योंकि मैसेज भी तो आएगा ना उसका, यहाँ से आएगा मैसेज स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और यहाँ पर ये कुछ नहीं होगा, यहाँ पर ये खाली होगा ओनली, ठीक है ना। मैसेज यहाँ से आएगा तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ पर डॉट क्लिक अनसेल, जी कस्टम नोटिफिकेशन के अंदर मैसेज हमको मैसेज डालना है। पहले हम इसको हाइड से हम पहले मैसेज देते हैं छोटा HTML। अब देखिए हमको ये चाहिए ना मैसेज, हम पहले मैसेज निकाल लेंगे इसका। हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो वेरिएबल इक्वल टू दिस डॉट ATTR डाटा मैसेज, ठीक है। ये मैसेज हम यहाँ पर हम इसका सेंड कर देंगे, मैसेज तो हमारा आ गया, ठीक है ना। अब हम करेंगे डॉट शो, मैंने क्या किया, मैंने उस बटन के क्लिक पे मैसेज डाल दिया इसके अंदर मैसेज डाल दिया, ठीक है ना। और ये इसमें मैंने क्लास बना दी ऐड क्लास शो, ठीक है ना। हम क्या करेंगे इस पे शो डालेंगे, ठीक है ना। शो क्लास ऐड कर देंगे ओपेसिटी 1 और ट्रांसफॉर्म स्केल 1। अब देखिए है ना फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, देखिए मैसेज तो यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ तो मैसेज ब्लैंक है हमारा, ठीक है ना। मैंने क्या किया, इसके क्लिक पे ये मैसेज यहाँ ले लिया, इसके क्लिक पे मैसेज आ गया, ठीक है। फिर उसमें मैंने क्या किया, उस मैसेज में ये मैसेज डाल दिया, फिर उसके बाद ये मैंने एड क्लास शो हमने कर दी, जो कि ये शो हो रही है। दोबारा देखिए है ना, और देखिए अब उसके बाद क्लोज भी करना है हमको, तो हम क्या करेंगे इसको कॉपी करेंगे, क्लोज पे क्या करना है, दिस डॉट पेरेंट डॉट रिमूव क्लास शो। मैंने क्या किया, इसके क्लोज पे ना इसके क्लिक पे इसकी क्लास शो जो थी वो रिमूव करा दी। देखिए आया गया ओके। इसमें हम डालते हैं क्लोज में कर्सर पॉइंटर, ठीक है ना, और यहाँ पर वन कर देंगे ओके। यहाँ से ये आराम से हमारा हो चुका है ना। आप ऐसा ही मतलब सिर्फ इसका अगर आपको अगर एरर का चाहिए तो इसका यहाँ पर डाल दो, एरर नाम की क्लास बना दो, यहाँ पर क्या करो एरर बैकग्राउंड रेड, इम्पोर्टेंट बस देखिए रेड आ गया है ना। फ्रेंड्स अगर आप ये चाहते हैं कि ये नोटिफिकेशन राइट और लेफ्ट से आए तो सिर्फ आपको ना ये चेंज करनी पड़ेगी इसके CSS। देखिए कैसे ये हटाना पड़ेगा, ठीक है, राइट से -100 करना पड़ेगा और यहाँ पर 1 कर यहाँ पर करना पड़ेगा राइट से 5%, ठीक है। अब देखिए राइट से आया है ना, राइट से आया ना, जहाँ मर्जी से ला सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए, इसको देख के आप अपना बनाइएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए प्लीज़, ओके ना। आप मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में अच्छी अच्छी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।